Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya. So today we will be doing some of the important questions on preposition. As you know, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है that preposition is one of the very important topics when it comes to the English grammar. जब हम grammar की बात करते हैं, English language की बात करते हैं, preposition बहुत ही ज़्यादा important है. Prepositions के basis पर, फिक्स्ड prepositions के basis पर आप लोगों को बहुत सारे questions पूछे जाते हैं जब आप लोग close test attempt करते हैं. क्लोज पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पर हम लोगों को फिक्स प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. एरर डिटेक्शन की अगर हम लोग बात करें, सेंटेंस रिप्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो इन सभी टॉपिक्स पर बेस्ड हमें इन सभी सेक्शंस बेसिकली हमें प्रेपोजिशंस पर बेस्ड आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं. ठीक है, सो आज हम लोग प्रेपोजिशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर डिटेक्शन. एंड प्रेपोजिशन के जो बेसिक्स हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. इफ़ यू डोंट नो, अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे एंड यू वॉन्ट टू वॉच दोज लेक्चर्स, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है. आप लोग प्रेपोजिशन के दोनों पार्ट्स बेसिक्स देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. All right, so let's get start with the first question. And before starting, I want to request you all, if you are new to our channel, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए. हमारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस अपडेट्स ऑफ द चैनल, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन. सो क्वेश्चन नंबर वन इज, ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम व्हेन अ थीफ entered into his house and took away a lot of things. अब यहाँ पर जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं तो हम लोग को नहीं लगता यहाँ पर कोई एरर होना चाहिए जनरली, लेकिन यहाँ पर जो एरर है वो है entered into. जी हाँ, बिल्कुल, entered into जो है वो रॉन्ग है. यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम लोगों को into को रिमूव करना है. वी नीड टू ओमिट into फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. यहाँ पर into नहीं आएगा, यहाँ ना कि इवन in आएगा. एंटर के बाद, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एंटर के बाद ना तो हम इनटू लगाते हैं ना ही हम इन लगाते हैं जब भी हम किसी जगह पर, किसी प्लेस में एंटर करने की बात करते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए किसकी बात की गई है, हाउस में, घर में एंटर, किसी जगह पर एंटर करने की जब बात की जाए, हम एंटर वर्ड के साथ इनटू, इन जैसे वर्ड्स नहीं लगाते. लेकिन अगर किसी मैटर में इंटरफेयर करने की बात हो रही है, किसी डिसीजन में एंटर करने की बात हो रही है, किसी भी तरह की सिचुएशन में एंटर होने की बात हो रही है, कि ही एंटर्ड इनटू द सिचुएशन, ही एंटर्ड इनटू द मैटर, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन में दखल अंदाजी करना, किसी भी सिचुएशन में एंटर करना, इंटरफेयर करना, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एंटर्ड इनटू. लेकिन अगर हम लोग बात करें फिजिकल प्लेस में, किसी जगह पर एंटर करने की, तो हम लोग कभी भी एंटर इनटू नहीं बोलते. व्हाई? बिकॉज एंटर का मतलब ही क्या होता है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ एंटर होना. ठीक है, और इनटू का मतलब भी यही होता है, हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा था, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड का मोशन दिखाता है. तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है ये सुपर फ्लॉस हो जाता है. ठीक है, तो एंटर इनटू नहीं बोला जाता जब हम किसी जगह में एंटर करने की बात करते हैं. एंटर इनटू द हाउस, एंटर इनटू द हॉल, एंटर इनटू द रूम, ये सभी के सभी रॉन्ग हैं. ठीक है, एंटर्ड हॉल, एंटर्ड रूम, एंटर्ड हाउस, ऐसा बोला जाता है. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन. सो एरर कहाँ पर था, पार्ट थ्री में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हर कंक्लूडिंग स्पीच ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू. अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में उसने कुछ ऐसा नहीं कहा जो सुनने के लायक हो, ये हम लोग को बोला गया है. अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक प्रेपोजिशन यानी कि काइंड ऑफ फ्रेज हम लोग को दिया है लिसनिंग टू. लिसनिंग के बाद हम लोग टू तब तक नहीं लगाते जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो. अगर मैं बोलूँ listening to you, listening to him, listening to Ram, listening to Shyam, उस वक्त तक तो ये टू सही है, लेकिन जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर listening के बाद हम लोग टू नहीं लगाते. ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, in her concluding speech she said almost nothing worth listening, full stop. All right, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरी वन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव इमीडिएट मेडिकल एड ही वुड डाई. सो यहाँ पर इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरी वन नहीं होता, अपेरेंट के बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है और वो प्रेपोजिशन कौन सी होती है, टू. तो इट वॉज अपेरेंट टू एवरी वन, ये सबको दिख रहा था कि अगर पेशेंट को मेडिकल एड नहीं मिला तो वो उसका डेथ हो जाएगा. ठीक है, तो अपेरेंट फॉर नहीं होता, अपेरेंट टू होता है. Yesterday I met a man who was blind with the right eye. कल मैं एक आदमी से मिला जो एक आंख से अंधा था, राइट आंख से अंधा था. अब देखो ब्लाइंड
विद नहीं होता, ब्लाइंड इन होता है। ठीक है, जब भी हम आंखों से अंधे, ऑब्वियसली आंखों से ही अंधे होते हैं, जब भी हम अंधे होने की बात करते हैं कि दिखता नहीं है, अंधे हैं या एक आंख से, वॉट एवर इट इज, तो हम ब्लाइंड इन बोलते हैं। ब्लाइंड विद द राइट आई नहीं होता, ब्लाइंड इन द राइट आई, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। लेकिन अगर आपको बोलना हो ब्लाइंड विद द बोथ आईज, जब आपको दोनों आईज की बात करनी हो उस वक्त आप क्या बोलते हो, ब्लाइंड विद, अदरवाइज जब एक की बात की गई है तो इन बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, देयर अपियर्स टू बी अ लिटल लाइजन अमंग टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भी हम दो ग्रुप्स की, दो लोग की बात करते हैं, हम लोग अमंग यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, बिटवीन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दीज देयर अपियर्स टू बी अ लिटल लाइजन बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। लिटल लाइजन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, काइंड ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन हम लोग बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन। ठीक है गाइज, आगे बढ़ेंगे हम लोग। येस्टरडे आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, रिपीटेड है, इन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट अमंग आवर फ्रेंड्स हु बेड हिम फेयरवेल। यहाँ पे फेयरवेल कर लीजिएगा, स्पेलिंग करेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अमंग आवर फ्रेंड्स, अमंग है, आवर फ्रेंड्स है, अमंग का यूज हम दोस्त से ज्यादा के लिए करते हैं, यहाँ तक सही होना चाहिए। जब हमने प्रपोजिशंस पढ़ा था तो हम लोग ने समझा था दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट, राइट। और मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे तो अमंग और अमंगस्ट के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब हम इन्हें लिखते हैं या हम इन्हें यूज करते हैं उस वक्त एक डिफरेंस होता है। अमंग का यूज किसके साथ होता है, द वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट की साउंड से बिगिन करते हैं, और जो वर्ड्स वोवल्स की साउंड से बिगिन होते हैं लाइक ए ई आई ओ यू, उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, अमंगस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर आवर है, ओ यू आर, साउंड भी किसका है, वोवल का, और वर्ड इज ऑल्सो बिगिनिंग विद वोवल, सो यहाँ पर अमंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अमंगस्ट। ऑलराइट, अगर यहाँ पर सिर्फ फ्रेंड्स होता, आवर नहीं होता, तो यहाँ पर अमंग का यूजेज एकदम सही था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the invitation, Kier Rahim marries with Saira on 13th December Monday. Marries with नहीं होता, marries to होता है, हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, तो with को हम लोग रिप्लेस करेंगे with preposition to. Next one, some persons get promotions even if they are not worthy for them. देखिए worthy for नहीं होता, worthy of होता है, worthy of them. Some कुछ लोगों को preposition प्रमोशन मिल जाती है इवन इफ वो उसके लायक नहीं होते, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वर्दी ऑफ बोलते हैं, वर्दी फॉर नहीं बोलते। देर आर सम फिक्स प्रपोजिशंस, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ सर्टेन वर्ड्स के बाद हम कुछ सर्टेन फिक्स्ड प्रपोजिशंस ही लगाते हैं, एंड वर्दी के बाद हम लोग ऑफ लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While he was returning from the office, a man attacked on him with a dagger. A man attacked on नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि अटैक, अटैक एक वर्ब होता है जिसका मतलब भी क्या होता है, किसी पर अटैक करना। ठीक है, एक्शन ही डिफाइन कर रहा है, तो अटैक्ड ऑन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अटैक वर्ड का मतलब ही होता है किसी पर अटैक करना, तो यहाँ पर हमें ऑन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से ऑन को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सिंपली क्या बोला जाएगा, अ मैन अटैक्ड हिम विद अ डैगर। डैगर क्या होता है, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, जैसे कुछ भी शार्प, जैसे नाइफ होता है या समथिंग, उसे हम लोग डैगर कहते हैं। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ हर मोरल्स वाज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हर। डिक्लाइन ऑफ हर मोरल्स, डिक्लाइन ऑफ नहीं होता, डिक्लाइन इन होता है, किसी चीज में गिराव होना, किसी चीज में गिराव होना, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइन इन बोलते हैं, डिक्लाइन ऑफ नहीं बोलते। तो डिक्लाइन ऑफ नहीं होगा, डिक्लाइन इन होगा। पहले भी मैं आपको फिक्स प्रपोजिशंस करवा चुकी हूँ, जो भी आपको लगता है आप भूल जाते हैं तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लें, सो दैट आप लोगों को रिविजन करने में ईजी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, देर आर सम एनिमल्स दैट, यहाँ पर दैट कैन लिव बोथ इन वॉटर एंड ऑन लैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी। जब भी हमारे पास एंड कंजंक्शन आती है, उससे पहले और उसके बाद वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, दैट हैज टू बी सेम, मतलब उसे हम लोग पैरेललिज्म कहते हैं। तो इन वाटर होता है, ऑन लैंड होता है, तो हम लोग बोलेंगे इन वाटर एंड ऑन लैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, सो एरर आ गया पार्ट थ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजिडेंट मिस्टर कलाम इज मच सॉट आफ्टर by school students and is invited for many functions. Invited for नहीं होता, invited
टू मेनी फंक्शंस होता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। हम लोग अक्सर बोलने में गलती करते हैं, इनवाइटेड फॉर डिनर, इनवाइटेड फॉर फंक्शन, रॉन्ग। इनवाइटेड टू डिनर, इनवाइटेड टू लंच, इनवाइटेड टू फंक्शन, तो इनवाइट टू होता है, इनवाइट फॉर नहीं होता। एक और फिक्स प्रेपोजिशन हम लोग को यहाँ पर दिया, एरर तो कहाँ आ गया पार्ट फोर में, एक प्रेपोजिशन हम लोगों को दिया है फिक्स प्रेपोजिशन सॉट आफ्टर। सॉट के बाद हम लोग आफ्टर लगाते हैं, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब बनता है ये। सॉट आफ्टर का मतलब क्या होता है, इन डिमांड, डिमांडेड बेसिकली। तो बोला क्या गया है, प्रेसिडेंट मिस्टर कलाम इज मच सॉट आफ्टर बाय स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा डिमांड उनकी थी और उन्हीं को बहुत सारे फंक्शंस में बुलाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक फॉर हर प्रॉपरली। लुक फॉर हर नहीं, लुक फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज को सर्च करना। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट मीन यू आर सर्चिंग समथिंग। लुक आफ्टर, उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी बट वो उनकी बिल्कुल भी टेक केयर नहीं कर रहा था, तो टेक केयर करना, ध्यान रखना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुक आफ्टर, ठीक है। एक और होता है लुक इन टू, लुक इन टू का मतलब भी क्या होता है, लुक इन टू का मतलब होता है एग्जामिन, ठीक है। लुक अप, लुक अप द लिस्ट, मतलब जिसका मतलब हो गया आपके पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कंटेंट है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ लिस्ट है, आप उसमें से किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब भी ढूंढना ही होता है। आगे बढ़ेंगे, We may have to await for a new political revival to eradicate the corruption from our economy. हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा नए political system का renewal का eradicate करने के लिए। Eradicate का मतलब होता है eliminate करना, ठीक है, eliminate करने के लिए corruption हमारी economy से। So await for, देखो यहाँ पर अगर होता ना wait तो हम लोग क्या लगा देते for, लेकिन यहाँ पर word हम लोग को क्या दिया गया है, await। Await का मतलब ही क्या होता है, wait for something, किसी का इंतजार करना। तो या तो करो वेट फॉर या फिर सिर्फ और सिर्फ अवेट। अवेट के बाद हम लोग फॉर नहीं लगाते, ठीक है। सो इन दोनों में से आप लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं, अवेट के बाद फॉर नहीं आएगा बस। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे, Despite of the best efforts put by the doctors, the condition of the patient is deteriorating from bad to worse. बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी कंडीशन जो थी पेशेंट की वो डिटेरिएट हो रही थी। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज में और ज्यादा गिराव आना, ठीक है, और ज्यादा वर्स कंडीशन होते जाना, खराब होते जाना, डिग्रेड होते जाना, बेसिकली डिटेरिएट का मतलब होता है डिग्रेड, ठीक है गाइस। वर्ड्स आप लोगों को आज मैं सेंटेंसेस के साथ ही करवा रही हूँ। अब एरर क्या है हमारा, देखिए, डिस्पाइट ऑफ, वी हैव टू वर्ड्स, एक तो होता है इंस्पाइट ऑफ, एक होता है डिस्पाइट, दोनों का ही मतलब बिल्कुल सेम होता है, या तो बोलो इंस्पाइट ऑफ या तो बोलो डिस्पाइट, दोनों का मीनिंग सेम है। पॉइंट क्या है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता और इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ लगता है, तो यहाँ पर हम लोग को ऑफ को ऑमिट करना है। या तो हम लोग बोल सकते हैं इंस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स पुट बाय द डॉक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर बट गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ सच क्रूड फैक्ट। देखिए, डाइंग फ्रॉम हंगर नहीं होता, डाइंग ऑफ होता है। हम मैंने आप लोगों को बेसिक्स के लेक्चर में बताया था, वी हैव टू फिक्स प्रेपोजिशंस फॉर डाई मेजरली जो हम यूज करते हैं, एक होता है डाई ऑफ, एक होता है डाई फ्रॉम। हम डाई फॉर भी यूज करते हैं, डाई फॉर, फॉर का मीनिंग मैंने क्या बताया था, के लिए, राइट। तो डाई फॉर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के लिए मरना, लाइक डाई फॉर द कंट्री, डाई फॉर लव, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब डाई ऑफ का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमारा, जब किसी का भी डेथ होता है बिकॉज ऑफ सम डिजीज, बिकॉज ऑफ सम एनी अदर इश्यू लाइक हंगर, थर्स्ट, भूख, प्यास, इससे डेथ होना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई ऑफ। और डाई फ्रॉम यूज करते हैं जब डेथ होता है बिकॉज ऑफ सम इंजरी, बिकॉज ऑफ सम वूड, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, उसका रीजन शो करने के लिए कि इसके कारण डेथ हुआ, हम डाई फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। डाई ऑफ कब लगता है, जब हम किसी भी डिजीज, भूख, प्यास से डेथ होता है, तो डाइंग फ्रॉम नहीं होगा, डाई ऑफ होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इन डिफिकल्ट टाइम शी प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल रादर देन वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर फॉर रिलीफ। मुश्किल के समय में वो खुद की सलाह लेती है रादर देन यहाँ वहाँ किसी और की सलाह लेना, यहाँ वहाँ सुकून ढूंढने के लिए जाना, ठीक है। अब देखो, प्रेफर के बाद हम लोग ने पढ़ा था एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है, प्रेफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन दैट इज
टू, तो प्रेफर के साथ हम लोग रादर देन नहीं लगाते. वी विल सिंपली राइट शी प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल. काउंसिल का मतलब क्या होता है? एडवाइस, सलाह. ठीक है, टू वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर. प्रेफर्स के बाद टू लगता है रादर देन टोटली एलिमिनेट कर दो. ठीक है, सो बोलने में सही लगता है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो यहाँ पर टू होना चाहिए. द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर एडवाइज टू सब्सटीट्यूट सैचरिन बाय शुगर. सैचरिन बाय शुगर नहीं होगा, सैचरिन फॉर शुगर होगा. अब सेंटेंस का मीनिंग हम लोग समझते हैं. कहते हैं वो लोग जो सफर कर रहे हैं डायबिटीज से, उनको ये एडवाइस करा जाता है कि वो सैचरिन लें शुगर के लिए. मतलब जनरली क्या लेते हैं? चीनी. लेकिन सैचरिन एक सब्सटीट्यूट है शुगर के लिए. शुगर के तौर पर वो क्या लें? सैचरिन लें. इट इज कॉल्ड एज सैचरिन इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल काइंड ऑफ शुगर जो बेसिकली डायबिटीज डायबिटिक्स के लिए बनाई जाती है जो डायबिटीज से सफर करता है. तो यहाँ पर बाय नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फॉर होना चाहिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हार्डली हैड वी सेटल डाउन फॉर द रेस्ट व्हेन वी स्टार्टेड एट द स्ट्रेंज साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स. ट्रम्पेट्स वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक है, स्टार्टेड एट. स्टार्टेड एट का मतलब क्या होता है? स्टार्टेड एट समथिंग या स्टार्टेड एट समवन, इसका मतलब क्या होता है? एकदम से सरप्राइज हो जाना. ठीक है, सरप्राइज हो जाना, एकदम से चौंक जाना किसी चीज की वजह से. तो स्टार्टल्ड एट द साउंड ऑफ समवन, जब हम लोगों ने मुश्किल से जब हम लोग रेस्ट करने लगे तो हम लोग एकदम से सरप्राइज हो गए, एकदम से चौंक गए. किसकी वजह से? ट्रम्पेट्स की साउंड की वजह से. ठीक है, ट्रम्पेट्स क्या होते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग सम ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन सो दैट आपकी प्रॉपर रिविजन हो जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन टू डिकेड्स. दो साल, दो डिकेड से ज्यादा टाइम से जो जो फर्म है, जो इंडस्ट्री है, ये डील कर रही है लग्जरी गुड्स में. तो डील इन, डील विद. आई टोल्ड यू अबाउट डील. डील के साथ या तो हम इन लगाते हैं, डील के साथ या तो हम विद लगाते हैं. डील इन कब लगाते हैं? जब भी आप लोग बिजनेस की बात करते हैं कि आप किस में डील करते हैं, तो डील किस में करते हैं? लग्जरी गुड्स में. तो डीलिंग इन होना चाहिए. डील विद भी हम लोग लगाते हैं जब भी हम किसी प्रॉब्लम से डील करते हैं. डीलिंग विद कस्टमर्स, डीलिंग विद सम प्रॉब्लम्स, डीलिंग विद ट्रबल्स. किसी भी सिचुएशन या किसी भी पर्सन से जूझना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डील विद. आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए. ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे. टुडे स्टूडेंट शुड रिकंसाइल डैश द वे things are changing. To reconcile with the way things are changing. Reconcile with का मतलब क्या होता है? Be friends with. ठीक है, it means be friends with something or someone. यानी कि जो भी जिस भी तरीकों से changes हो रहे हैं students को, जो है उनसे kind of friendly relationship रखना चाहिए, ये बोला गया है. ठीक है, the brave youth immediately jumped dash the river to save the drowning child. Drowning child मतलब, drowning मतलब डूबता हुआ child. ठीक है, immediately jumped into the river. I told you before when we are referring to a motion from outside to inside of something, inside a room, inside a river, inside a well, कुछ भी हो सकता है. हम लोग क्या use करते हैं? into. जब भी outside से inside का motion दिखाते हैं. ठीक है, so क्या answer होना चाहिए? option B. The strike has been called off. हमारे पास एक preposition होता है O double F. ये हमेशा क्या बताता है? Discontinuity. किसी भी चीज में discontinuity होना, बंद होना, या फिर separation, अलग होना. बताया था आप लोगों को. तो called off एक फ्रेज होता है. कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसल. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैच की वजह से, बारिश की वजह से मैच कॉल ऑफ हो गया. कॉल ऑफ हो गया मतलब कैंसिल हो गया. सो कॉल ऑफ. ठीक है, आंसर शुड बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई कैन कोप डैश एनी प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 525 का आंसर मुझे आप लोग देंगे इन द कॉमेंट सेक्शन. कोप अप विद एवरी प्रॉब्लम होगा, कोप विद एनी प्रॉब्लम होगा, कोप अप एनी प्रॉब्लम या कोप फ्रॉम एनी प्रॉब्लम. व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रेपोजिशन यू विल यूज विद द कोप फॉर पर्टिकुलर सेंटेंस? ये आप आंसर मुझे आप लोग देंगे इन द कॉमेंट सेक्शन. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे. वी वर कम्प्लीटली टेकन डैश बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न आउट टू बी अ कुक. वी वर कम्प्लीटली टेकन इन. टेकन इन का मतलब क्या होता है? कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ समवन और समथिंग. ठीक है, सो वी विल कम्प्लीटली टेकन इन बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी अ क्रूक. ऑप्शन
डी इज द करेक्ट आंसर. द मैन लुक्स फेमिलियर टू मी, डज ही लुक फेमिलियर टू यू. वो मुझे फेमिलियर लग रहा है. फेमिलियर का मतलब क्या होता है, जिस चीज से आप वाकिफ होते हैं, जिस चीज को आप पहले से जानते हैं या समथिंग लाइक दैट. तो फेमिलियर टू मी, यहीं से हम लोग को हिंट मिल रहा है सेकेंड लाइन से, फेमिलियर टू यू एज वेल. तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन टू. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पेट्रियोटिज्म डजंट कंसिस्ट डैश ब्लाइंड ओबीडियंस ऑफ द रूल्ड ओवर रूल टू देयर रूलर्स. तो कंसिस्ट इन होना चाहिए. अब यहीं से हम लोग एक पॉइंट समझ लेते हैं. हम लोग कंसिस्ट ऑफ भी बोलते हैं, हम लोग कंसिस्ट इन भी बोलते हैं. कंसिस्ट के बाद या तो ऑफ लगता है या तो इन लगता है. तो डिफरेंस क्या है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग किसी चीज के एलिमेंट्स की बात करते हैं. जैसे मैं बोलूं द बुक कंसिस्ट ऑफ 50 pages, तो बुक में कितने एलिमेंट्स या कितने पेज हैं, 50 हैं. तो जब भी हम उसके अंदर कितनी चीज है, किसी में कितनी चीज कंसिस्ट करती है, उसका नंबर या समथिंग हम लोग बताते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ. कंसिस्ट इन का मतलब होता है बेस्ड ऑन समथिंग, कि किस पर बेस्ड है वो. ठीक है, तो हमको क्या बोला गया, पेट्रियोटिज्म कभी भी बेस नहीं करता. किस पर बेस नहीं करता, ब्लाइंड ऑबिडेंस ऑफ द रूल टू देयर रूलर्स. जो ब्लाइंड ऑबिडेंस होती है, जो भी किसी को रूल करता है, अगर वो ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं, तो पेट्रियोटिज्म का मतलब ये नहीं है. पेट्रियोटिज्म कभी भी इस पर बेस नहीं करता. तो कंसिस्ट इन यहाँ पर यूज होगा. ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए. नेक्स्ट वन पे आते हैं. द स्टूडेंट्स कंसिस्टेड ऑफ प्राइवेट स्कूल ग्रेजुएट. स्टूडेंट्स किसका एलिमेंट है, प्राइवेट स्कूल ग्रेजुएट्स. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑफ, क्योंकि उसके एलिमेंट्स की बात हो रही है, उसके अंदर क्या चीज आती है उसकी बात हो रही है. तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए. ठीक है गाइस, विद दिस वी आर वाइंडिंग अप द लेक्चर. एंड कुछ वर्ड्स मैंने आप लोगों को आज विद द सेंटेंसेस ही बताए हैं. आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे. एंड दिस इज ऑल्सो लाइक वोकैबुलरी, जो भी हमने फिक्स प्रेपोजिशंस की हैं कि कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन का क्या मतलब होता है, दिस इज ऑल्सो लाइक वोकैबुलरी, क्योंकि फ्रेजेस में हम लोग को पूछा जाता है. ठीक है गाइज, तो इसके साथ हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे. मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में. आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को कौन कौन से लेक्चर्स जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है या आप पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था दैट रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम आता है, रीअरेंजमेंट कैसे से करना. तो डेफिनेटली आई विल टेल यू गाइज कि रीअरेंजमेंट आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड इन क्वेश्चन के लिए यू हैव योर रीडिंग स्किल्स द बेस्ट. आपकी रीडिंग स्किल्स जो है इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो हमेशा एडवाइस करती हूँ, रीडिंग नहीं करते हो तो दिन में कुछ ना कुछ रीड जरूर किया करो. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोज के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे. गुड बाय गाइज.